आज 2 तारीख अप्रैल महीना 2023 और मैं नॉर्थ सिक्किम का 3 दिन का ट्रिप करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ सब जाना लिखा को रेड बुल हो, रेड सेवन सिस्टर का छोटा मोटा दुकान है, इधर पॉइंट पे रोक देता है। और हमारा ये दीदी बहुत मीठा मीठा बना लेता है सब कुछ। लो लो मलाई दिउँ त्यस्तो गर्नु पाउँदैन हैन, हामीले दिनु पर्यो नि, गर्नु पर्यो नि। गैंगटॉक से 65 किलोमीटर आगे निकल चुका है, पीछे ने देखे ना वो हम लोग का होटल है, हवा दवा करने के लिए रुका है हम लोग। और थोड़ा हम लोग इधर पोटी भी कर रहा है, हमारा दोस्त कुत्ती धो रहा है, और कुत्ती को हम लोग कछू भी बोलते हैं। अभी सिक्किम में चारों तरफ रेनफॉल हो रहा है बारिश की वजह से, रास्ता में बहुत लैंडस्लाइड भी आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है सफ़र करने के लिए। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग बेधड़क आ सकते हैं, लेकिन टाइम का मेंटेन करना पड़ता है। ये है टूंग चेक पोस्ट, नॉर्थ सिक्किम का मेन चेक पोस्ट है। यहाँ आप लोग का एंट्री होगा, हर बंदे हर गाड़ी का चेकिंग होता है, और यहाँ से आगे आप लोग पानी का बोतल ले जाना नहीं देते क्योंकि अंधेरा हो चुका है। हम लोग दोपहर पे निकला था गैंगटॉक से, आप लोग जितना जल्दी गैंगटॉक से निकलेगा उतना ही आप लोग को आसान होगा सफ़र करना। भाई रात का टाइम था, बारिश भी हो रहा था तेज से, ऊपर से एक पत्थर गिर के आया मेरा ये आगे वाला गाड़ी का आगे पत्थर पर, और पत्थर के ऊपर मेरा दोस्त का गाड़ी भी चढ़ गया। मैं भी थोड़ा स्पीड में था इसलिए मेरा गाड़ी भी चढ़ गया, नीचे लग गया दोनों गाड़ी का। फिर भी कोई बात नहीं है, अभी हम लोग का सफ़र कंटिन्यू है। अभी हम लोग गैंगटॉक से 110 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, जो कि मुंशीधाम लाचेन रोड, और 10-15 मिनट हम लोग चाय वाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग का सफ़र है आधा घंटा, उसके बाद होटल पहुँचेंगे हम लोग। फाइनली अभी मैं लाचेन होटल पहुँच चुका हूँ, जो कि अभी मैंने अपना टूरिस्ट को होटल में ड्रॉप करके थोड़ा मैं इधर खेला करने के लिए आया हूँ। साथ में अमर बंधु और मेरा साथ टूरिस्ट है बहुत सारे। बीजी देखिए पूरा, आज हमारा साथ दादा लोग खेला कर रहे हैं। ये हमारा ग्रुप लीडर है। दादा केमन अच्छे? हेलो अच्छे, बोलो अच्छे। हाँ प्रोग्राम कैसे चल रहा है, खेला हो रहा है आज? खेला हो रहा है, प्लानिंग खेला करने का है ना। ओके थैंक यू। सेकेंड ट्रिप पे नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का टाइम, अभी हम लोग रेडी हो रहा है गुरुदुम्बर का सफर के लिए। आज बहुत प्यारे मौसम हो रहा है क्योंकि कंटिन्यू रेनफॉल हो रहा था। देखिए भाई ये ऊपर पूरा पहाड़ों का गोद का सामने है। अभी मैं फिलहाल पूरा ये पूरा आपको ये बर्फ है, रात को स्नोफॉल हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी कंटिन्यू करता हूँ गुरुदुम्बा का सफर के लिए।
फिलहाल मैं अभी थांगो वैली पे हूँ जो कि 12000 हाइट फुट ऊंचाई पे, जो हमारा ये दूसरा सेकेंड डेज का ट्रिप है। लेकिन भाई बहुत बर्फ है, देखिए पीछे इतना बर्फ है कि मुझे पता नहीं अभी आगे चेक पोस्ट है थांगो वहाँ कंफर्म होगा गुरुदुम्बा खुला है कि नहीं, देखते रहना दोस्तों। पूरा लोग आ रहा है, ये है थांगो वैली, अभी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभी हम लोग इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका है, चाय वाय थोड़ा पीएंगे और थोड़ा खेला करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू होगा 10 मिनट बाद। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोग के लिए, जब गुरुदुम्बर आ रहा है तो आप लोग 5 साल से नीचे का बच्चे को लेके आना नहीं चाहिए, और 65 से ऊपर का बुढ़े बुढ़ी को भी लेके आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉब्लम होगा, हमेशा ऑक्सीजन साथ में लेके आइए। और मेरा भैया है, हेलो भैया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जो भी विल्सन नेपाल का चैनल देख रहे हैं, आपको पता रहे से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। नाउ वी आर एट याथांग वैली। अभी इधर हैवी स्नोफॉल होने का वजह से बहुत सुंदर भी दिखा दे रहा है और रास्ता भी क्लियर है। वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑल गेस आर हैप्पी। ओके थैंक यू। या बहुत बर्फ है इधर, पूरा देख सकते हैं ये आपको। ये बहुत गाड़ी रुका है इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ये बहुत लकड़ी का पुराना पुराना घर है आपको। ये बहुत अच्छा है पहाड़ों के लिए लकड़ी का घर। और सभी इधर का जो ये लोग को बिल्डिंग है नीचे लाचेन पे, और वो लोग इधर आता है बिजनेस के लिए। ये सभी लकड़ी से बना हुआ है, 6 महीना रहता है और 6 महीना नीचे आपको लाचेन चले जाता है। और जो ये दिखाई दे रहा है इसको आपको छोटा वैली बोलता है, बहुत सा अच्छा है ये जगह, जो कि नीचे का नज़ारा आपको सांपों जैसे दिखाई दे रहा है। ये छोटा वैली भी आप लोग का पैकेज में होता है जब आप लोग लाचेन की तरफ आ रहा होगा। तो फाइनली मैं गुरुदुम्बर लेक पहुंच चुका हूं, 12 बज गया अभी टाइम। पूरा देखिए गुरुदुम्बर लेक कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, बर्फ सब पिघल गया, देखिए पीछे ना सीन देखिए आधा लेक। और मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ये जो लेक है मैं नीचे नदी से सामने से मैं दिखाने वाला हूँ आप लोग को। ये सीढ़ियाँ उतरने में आसान होगा, लेकिन जब चढ़ेगा ना भाई आप लोग का फट जाएगा, इसीलिए आप लोग ये ट्राई मत करना, आप लोग को मुश्किल होगा। थोड़ा मैं ये लास्ट सबसे इसका एंडिंग पॉइंट की तरह आप लोग को ले जा रहा हूँ। पूरा यहीं से आपको टिस्टा नदिया शुरू होता है, देखिए ये टिस्टा ब्रिज है पूरा। बहुत दूर है, और हर पॉइंट खुला है। नॉर्थ सिक्किम का आ सकता है, छंगू बाबा मंदिर कल 2 तारीख बंद था, लेकिन आज से शायद परमिट
मिल सकता है। मैं आगे की तरफ ले जा रहा हूँ आप लोग को। भाई अभी ये नीचे का हिस्सा तो मैंने देखा दिया, अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर से भी मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा लद्दाख लद्दाख जाने का कोई डर कर नहीं है भाई। मैं थोड़ा जा रहा हूँ गुरुद्वारा टेम्पल, इसी को बोलता है। देखिए भाई ये ऊपर से देखने वाला व्यू है। नीचे से अलादा डिफरेंस देखता है नीचे से। और ये ऊपर से ऐसा देखता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का ये मेरा वीडियो कैसे लगा और बहुत पॉइंट मैंने आप लोग को कवर कर नहीं पाया कि बारिश की वजह से, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा साथ जुड़े रहना। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे, अभी के लिए बाय बाय।